Good evening, ladies and gentlemen, sisters and their brothers, definitely not mine. Kaise aap? Welcome to this brand new episode of PollBaazi. Main hu aapke saath Vidhi, aapki host, aapki और हर सवाल के होंगे तीन इंटरेस्टिंग ऑप्शन, 10 सेकंड के अंदर अपना जवाब आप टैप कर दीजिएगा। और PollBaazi में कोई जवाब सही या गलत नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। अच्छा अच्छा, देखो PollBaazi इज ऑल अबाउट मेजोरिटी। आपका चुना हुआ जवाब अगर जनता के साथ मैच कर गया, वो जवाब सही हो जाएगा। और ऐसे अगर आपने जनता के साथ बढ़ते बढ़ते 8 सवालों के जवाब दे दिए तो 10,000 रुपए में जवाब जीत जाएंगे आप। एंड बिकॉज इट इज वैलेंटाइंस वीक तो फिर आप और हम अच्छा वैलेंटाइन कर लेंगे। ओके ओके, वैलेंटाइन जी से याद आया मुझको, आप कैसे अपना दे दे रहे हो या इस बार भी आप आपको आपको नहीं बताऊंगी मैं। बताओ ना दीदी मेरी नारी ऊपर इस दिल पर फोकस कीजिए आप, मेरे नहीं, ऊपर एक दिल है, इसका इस्तेमाल आप गेम में वन टाइम कर सकते हैं। कोई भी जवाब ना जनता के जवाब से मिसमैच हो जाता है ना आपका, तो लाइफ यूज करके आप बाउंस बैक कर सकते हैं। और अगर एलिमिनेट हो भी गए तो वरी नॉट, PollBaazi इतना मजेदार खेल है कि आप एंड तक पोलिंग कर सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं, इंडिया की सोच हमको बता सकते हैं। ठीक है दीदी, वो सारी बातें सही है, लेकिन मैं एक और बार इस सवाल पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि आप किसको दिल दे रहे हो अपना, मतलब पप्पी भैया तो ऐसा बिल्कुल ऐसा पप्पी बने हुए, आप किसको दे रहे हो? पप्पी को नहीं मिलने वाला है, somebody has to be worth it, you know, worth it. दीदी पता है इसी के कारण ना, इसी चीज के कारण ना आप आज तक सिंगल हो, इतने डिमांडिंग हो ना, ऊपर से आप क्रैंकी भी हो इसके सारे। PollBaazi का खेल काफी हो गया इनका बोलना। तो 16,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, दिल से मेरी आवाज को सुनिए और मेरी भी पूरी है। क्वेश्चन नंबर वन, आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन से सेलिब्रिटीज हैं हु आर अबव 60 इयर्स ऑफ एज लेकिन अभी भी वो रोजी रोटी घर की वही कमाते हैं, राज बब्बर साहब, सुनील गावस्कर या अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो मेरी फेवरेट फिल्म द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी थे। हाँ, नाम बोलो ढंग से उनका, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन दीदी, अमिताभ बच्चन वो इतने मतलब वो इतने ज्यादा कूल इंसान है ना। बताओ तुम राज बब्बर के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, राज गब्बर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो गब्बर के भतीजे हैं, आई नो हिम। जस्ट बिकॉज़ उनका नाम बब्बर है तो वो गब्बर के भाई हो गए? हाँ। व्हाट दीदी, आपको कुछ नहीं पता होता, मेरे से पूछो ना आपको, मेरे को सारी बॉलीवुड नॉलेज है, इन सब के कनेक्शन है। पिलर है इनके दिमाग में, जनता का आ गया जवाब, वो कहते हैं अमिताभ बच्चन इज दैट सेलिब्रिटी जो अभी भी अपनी फैमिली के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। वेल वैसे लेट मी टेल यू, अभिषेक बच्चन माइट नॉट बी एक्टिंग बट ही ओन्स अ लॉट ऑफ कंपनीज, ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। ये बताओ ये रोजी रोटी जो आपने बोला है कितनी रोजी होती है? व्हाट? अरे रोजी रोटी मतलब ब्रेड विनर इन द हाउस। ब्रेड विनर कौन सा गेम है ये जिसमें ब्रेड मिलती है? अरे मतलब वो अर्निंग मेंबर है घर के, वही पैसे कमा रहे हैं। तो पैसे इज्जत कमा रहे हैं, मतलब अब इज्जत कमाई जाती है दीदी, इज्जत कमाई जाती है। कंट्रोल योरसेल्फ, जवाब चाहते हैं। 16,000 से ज्यादा लोग अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही इंडिया की सोच बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम, आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन सी हरकत है जो आपके हिसाब से बहुत ही बेवकूफी भरी है? अपने नेबर यानी कि पड़ोसी के साथ कम्पीट करना, उनको हराओ खुद जीत जाओ, या मॉन्यूमेंट की दीवारों पर लिखना, या फिर लिफ्ट के सारे बटन्स को दबा देना। सब दबा देते हो सारे बटन्स ना, ये इसमें ऐसा कुछ ऐसा फालतू नहीं है दीदी, हर चीज का एक पर्पस होता है। जैसे आपका एक पर्पस है मेरे सर के ऊपर खड़ा होने का, मेरा एक पर्पस है यहाँ पर पैनलिस्ट बनकर एक्सपर्ट एडवाइस देने का, और इनका भी पर्पस है। अब सर इनका जो पर्पस है, रुको रुको, मुझे ना हाथ गर्म करने दो, ऐसे ताली बजा लिया ना मेरे, तुमने इतनी डेप्थ वाली बात की है, पर्पस दीदी आप पर्पस बता रहे हैं मैंने इनको। मैं सलमान खान की फैन, विधि दीदी मेरी फैन, जनता का आ गया जवाब। वो कहते हैं सुन लो जनता ने कहा है कि सारे बटन लिफ्ट का अगर दबा दो तो वो बेवकूफी भरा काम होता है, जो आप हरकत करते हैं ना बंद कर दीजिए इसको करना। दीदी अच्छा ठीक है, वो सारी चीज तो ठीक है, लेकिन वो मॉन्यूमेंट्स में जो लिखते हैं ना लोग, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी गुड, बहुत स्टूपिड होता है। करेक्ट, पप्पू लव पिंटी, मतलब अगर पिंटी को किसी और से प्यार होगा वो भी तो आगे कंप्लीट करना पड़ेगा ना, अब पूरी ऐसी मॉन्यूमेंट की दीवार तो ऐसी चली जाएगी, मतलब क्या क्या स्टूपिड चीज है। बिल्कुल चुप जाओ, शांत जाओ।
क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ गए हैं। 16,000 से ज्यादा लोग बता रहे हैं इंडिया की सोच। तो चलिए जी, इस सवाल का जवाब भी बताइए। आप बताइए इन तीनों में से वो कौन है जिनका हिंदी बोलने का अंदाज काफी अतरंगी है? ममता बैनर्जी यानी कि दीदी, कैटरीना कैफ, सोनिया गांधी। आपकी हिंदी को क्या हो गया दीदी? अच्छा ठीक है ना, सोनिया गांधी, कैटरीना कैफ, ममता बैनर्जी। पहली चीज तो दीदी, मेरी कमली को कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारी कमली? मेरी कमली, मेरी शीला। तुम कैटरीना कैफ की फैन हो? हाँ, मैं कैटरीना कैफ की फैन हूँ, क्योंकि वो उनके हिंदी ना वक्त के साथ साथ इम्प्रूव ही हुई है दीदी। कोई नहीं मानता। प्लीज, कुछ नहीं हुआ ऐसा। हुआ ऐसा, पहले वो गाजर कहलवा बोलती थी। हाँ? और अब वो गाजर कहलवा बोलती है। अरे दोनों में फर्क क्या है? र पर ध्यान दिया आपने कितना अच्छे से, वो रर कर रही है। आप कर सकते हो? रोना आ रहा है मुझे। कैसे एक्सपर्ट मिले मुझे? जनता का आगे जवाब, वो कहते हैं कि कैटरीना कैफ। आज तो जनता कंप्लीटली अगेंस्ट तृप्ति, आई लाइक दिस। कैटरीना कैफ की हिंदी सबसे ज्यादा अतरंगी है, चाहे वो गाजर का हलवा बोले या गाजर का हलवा बोले। दीदी पहली चीज तो वो गाजर का हलवा होता है दीदी, गाजर का हलवा होता है। खा लो ना, चुप, मुंह बंद हो जाएगा तुम्हारा। खा लो, बंद नहीं होगा दीदी, मुंह बंद हो उससे। 15,000 से ज्यादा लोग अभी भी है हमारे साथ, इंडिया की सोच बता रहे हैं। थैंक यू, आई अपोलोजाइज फॉर दिस लिटिल पर्सन। क्वेश्चन नंबर फोर पर आ गए हैं। आप मुझे बताइए इन तीनों इंडियन क्रिकेटर्स में से वो कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनमें एक बड़ा स्टार बनने की क्षमता है? ऋषभ पंत, शुभमन गिल या पृथ्वी शॉ? थ्री अपकमिंग क्रिकेटर। पहली चीज तो ये कि क्रिकेटर मतलब फील्डिंग वील्डिंग तो कर लेंगे, विराट कोहली है उनके पास। अच्छा। लेकिन जहां तक दिल की बात रही ना, मतलब मैं वहां पर अपनी एक्सपर्ट ऐड हूं। दो चोटी वाली तृप्ति, जो एक लाइन में भी नहीं है चोटियां, तुमसे कोई लव एडवाइस नहीं चाहता। पहली चीज तो ये बाय चॉइस है, और दूसरी चीज इसे फैशन कहते हैं, मतलब आप ऐसा कुछ भी मत बोलो। और मैं आपसे बोल रही थी, आपको मैं लव एडवाइस देती हूँ। टिप नंबर वन, अगर कोई लड़की आपकी तरफ देख करके ऐसा बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे करे, बिल्कुल दीदी फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग, हाँ मतलब नहीं, वो फ्लर्टिंग नहीं होता दीदी, उसे फ्लर्टिंग नहीं कहते। मुझे नहीं जानना, जनता का जवाब आ चुका है। वो कहते हैं ऋषभ पंत है अगले बड़े बिग स्टार। तो मैं आपको वही बता रही थी, उसे फ्लर्टिंग नहीं कहते, उसे कहते हैं लड़की लड़के से शैम्पू मांगनी थी। टिप नंबर टू, अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखकर के ऐसे अपना कॉलर सही करे, बिल्कुल ऐसे ऐसे करे, अपना कॉलर सही करे, इसका मतलब यह है कि उसका कॉलर मैला है। क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ गए हम, इनका दिमाग खाली है। 13,000 से ज्यादा लोग इंडिया की सोच बता रहे हैं। इस सवाल का भी जवाब बताइए। आप बताइए इन तीनों में से वो कौन से शहर है हिंदुस्तान के जिनका नाम आपने कभी सुना ही नहीं है? हिंगन घाट, ये महाराष्ट्र में है वैसे, या चिला कालू रिपेट, ये आंध्र प्रदेश में है, या ताड़े पली कुडेम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। छोटी 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 शहर का मतलब यह है कि आपको सब पता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर पिज्जा गोल होता है तो स्क्वायर डब्बे में क्यों आता है? जिससे आप मुझे ये बताओ कि आईफिल टावर में कितना आयरन यूज किया हुआ है? आप मुझे ये बताओ कि ताजमहल में कितने मार्बल है? 120 कमरे। अब जो जिसका जवाब पता ही नहीं हो, क्यों फालतू में बता रहे हो? मतलब फालतू में दिखा रहे हैं कि नॉलेजेबल है, पता है नहीं, मतलब ऐसे फालतू प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे सवालों में है। जनता का जवाब आ गया है और वो कहते हैं ताड़े पाली कुडेम, ये जो आंध्र प्रदेश में शहर है, इसका नाम काफी लोगों ने नहीं सुना है। कोई नहीं यार, आज आपको नया नाम पता चल गया शहर का, डू रीड अप अबाउट इट, है ना, पढ़ोगे अच्छा रहेगा। भूल रहे हो, तृप्ति बहुत तेज है और तृप्ति को सब पता है, समझ में आई बात? वैसे फालतू में मेरे को ऐसा, आप मेरे को ऐसे फालतू में मेरे को फेल कर लेते हैं स्कूल। हैशटैग जब मैं थ्रो करूंगी ना इसको, बहुत अच्छा फीलिंग आएगी मुझे। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ गए हम। आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन है जिनकी शुरुआत यू नो अच्छी नहीं रही है? खलील अहमद जो फास्ट बॉलर है, या अर्नब जो अब हिंदी एंकर बनकर आ रहे हैं नरसमार आइडिया, या आयुष शर्मा जो एक्टर है, कौन कहां से आए, कौन पहली है? पहली चीज दीदी, पहली चीज तो ये है सलमान खान के भाई, और नहीं ये सलमान खान के बहन के भाई है। नहीं ये, दीदी ये पहली चीज पिक्चर में आएंगे, चौगाड़ा ताड़ा नहीं है उस पिक्चर का नाम, अक लड़ जावे सानू राती ना, नो द नेम ऑफ द मूवी दीदी, पर ये अच्छे एक्टर है दीदी, क्लियरली इनका डेब्यू अच्छा नहीं हुआ है, इनकी पिक्चर का नाम भी किसी को याद नहीं है। ये जो फैन है, जनता का आ गया जवाब, वो कहते हैं खलील अहमद की शुरुआत अच्छी नहीं हो पाई है। अर्नब को सुना है तुमने कभी? हाँ दीदी, वो पर मम्मी मना करती है, मम्मी कहती है नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं। याद आ गया आयुष शर्मा की फिल्म का नाम, नहीं, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था कि उसे स्टारडम जो है वो हैंडल नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्टार नहीं है, लेकिन तुम जो सेकंड पार्ट है ना वो तुम हो, डॉग। हाँ डॉग। क्वेश्चन
नंबर 7 सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग पर पहुंच चुके हैं हम. चलिए आप मुझे बताइए वो कौन है इन तीनों में से जो मतलब बिना कुछ सोचे समझे शेमलेसली सवाल पूछते रहते हैं आपसे बेशर्मी से. रिश्तेदार ये बताओ शादी कब होगी बता ही दो ना कर ही लो. या न्यूज रिपोर्टर्स या टेली सेल्स कॉलर्स कौन है जो सवाल पे सवाल करते हैं. मुझे पता है तुम टेली सेल्स कॉलर से कुछ ज्यादा ही बात करती हो. मैं कोई ज्यादा बात नहीं करती हूँ दीदी. उसी इंसान को पता होता है कि मैं अकेली हूँ. ऐसे बोला कि क्या तुम अकेली हो. मैंने बोला हाँ मैं अकेली हूँ. ऐसे लोगों से बात नहीं करते. यू कांट टेल पीपल कि तुम अकेली हो. नहीं दीदी हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझते हैं. हम दोनों नॉलेज शेयर करते हैं दीदी. नॉलेज आगे बढ़ेंगे हम. बताइए मैं आपको बताती हूँ रिलेटिव की जो आदत होती है. मैं रिलेटिव मुझसे सवाल नहीं पूछते. मैं रिलेटिव से सवाल पूछती हूँ. बेचारे जनता का जवाब आ गया है. वो कहते हैं कि न्यूज रिपोर्टर्स हैं वो जो मतलब बेशर्मी से कुछ भी कभी भी सवाल पूछ लेते हैं गलत टाइम पे गलत सवाल. हाँ दीदी तो मैं क्या कह रही थी कि रिलेटिव्स जो होते हैं. मैंने एक बार ऐसे फैमिली गैदरिंग में चाचा जी से पूछा कि चाचा जी अब थाईलैंड गए थे आपने वहाँ क्या किया. चाचू को बताया. चाचा चाचा गुस्सा होकर के चले गए. और एक बात बताती हूँ मैं आपको. एक बार भैया के फोन पे ऐसे मैसेज आया और उसमें लिखा था किसी लड़की ने मुआ. तो मेरे को ऐसा गुस्सा आ गया. तू मुई 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 तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. किससे से क्या प्रॉब्लम है तुमको. इसलिए आज भी इनके भाई सिंगल हैं. रहेंगे हमेशा के लिए. क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग पर पहुंच गए. आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन है हिंदुस्तान के कुंवारे पुरुष जिनके लिए मतलब लड़कियां बेताब हैं उनसे शादी करना चाहती हैं. योगी आदित्यनाथ उदय चोपड़ा या कन्हैया कुमार. आई नो ये तीनों काफी एलिजिबल बैचलर्स तो हाँ दीदी ये बिल्कुल एलपीजी बैचलर्स बिल्कुल भी नहीं एलिजिबल एलपीजी बैचलर्स दीदी. और इसमें सलमान खान का नाम ही नहीं लिखा हुआ. मतलब ये कैसी बात है. सलमान खान वर्जिन भी है. सलमान खान को साइकिलिंग भी आती है. सलमान खान का सीवीओ अपार्टमेंट भी है. उसके बावजूद सलमान खान का नाम नहीं लिखा हुआ. अरे सलमान खान की दीवानी. इन तीन ऑप्शन को देख लो. उदय चोपड़ा के बारे में क्या सोचते हो तुम. उदय चोपड़ा दीदी जो है ये वही है ना जिन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ मूवी की थी. वो बाइक चला रहे थे उनका भाई. हाँ जिनको सिर्फ बाइक चलाना आता था इसीलिए उनके भाई ने उनको बाइक रखने के लिए रख दिया था. मतलब नहीं, नहीं, ऐसे पब्लिक में बेइज्जती नहीं करते. जनता का जवाब आ गया. वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ इज द मोस्ट एलिजिबल इंडियन बैचलर. एलपीजी जवाब मेरी आंखें खोल दी. दिमाग भी एलपीजी बैचलर से. मुझे एक चीज बताओ मुझे. नहीं आपकी तो एलपीजी की भी उम्र निकल गई. एक्सक्यूज मी हाउ ओल्ड यू थिंक आई एम. डोंट आंसर दैट क्वेश्चन. मुझे नहीं पता है. 227 लोग जीत चुके हैं आज. पोलबाजी का खेल आपके लिए हो जाए. बले बले शो शो. मुस्कुरा रहे हैं. वेरी गुड. तो फोटो भेज दीजिए. लिखिए हैशटैग पोलबाजी और अपना नाम भेज दीजिए @बाजीराव इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर. विनय त्रिपाठी विष्णु शांतु नजल मानिका 44 रुपीस जीत गए आज आप सारे. कांग्रेचुलेशंस. वेरी गुड तृप्ति. एक काम तुमने पूरे दिन में एक काम ढंग का किया है. सही टाइम पे ताली बजाइए. बस अगर आप सोच रहे कल कब मिलेगा मौका बाजी नाव पर पैसे जीतने का तो कल दोपहर 1 बजे खेलेंगे ब्रेन बाजी मिनी मेरे यानी विधि के साथ. ये 3 बजे पोल बाजी मिनी पागल तृप्ति के साथ. 4:30 बजे बिंगो बाजी और रात 8:30 बजे द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी क्विज द इजिएस्ट क्विज टू विन. देखिए आपने बस सुबह पढ़ना है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर. सारे सवालों के जवाब आपको अखबार में मिल जाएंगे. फिर रात को 8:30 बजे खेलिए द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी क्विज एंड विन दैट मनी मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM. Don't miss it. Okay, जी. अच्छा, so, अच्छा, अच्छा, पहले मेरे को एक बात बताओ दीदी. आप अभी बैडमिंटन खेलने जा रहे हो. मैं भी चलूँ आपके साथ. नहीं, of course not. Please,